अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसा है, वो एक अलग संस्था है, इंडिपेंडेंट है, और वो कुछ अपना सोचती है, निर्णय करती है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं हो सकता। मगर हमारे को अपना विश्वास है कि राम मंदिर कहीं बनेगा तो मोदी योगी के राज में ही बनेगा, और वो राम मंदिर बीजेपी ही बनाएगी। हम तो बहुत खुश होंगे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, ये जितने हैं जी हैं, ये सब मिलके कहें कि हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। हम एकदम उनका स्वागत करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि इसलिए स्वागत करेंगे कि यही सब हैं जो रोड़े सुप्रीम कोर्ट में अटका रहे हैं। कपिल सिब्बल इन्हीं के बड़े नेता हैं जिन्होंने हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा और रिटर्न अपील करी कि आप राम मंदिर का जो मसला है 2019 के लोकसभा के बाद आप इसका निर्णय करिए। तो इसलिए आरोप ही नहीं, ये तथ्य के साथ हम कह रहे हैं कि रोड़े कांग्रेस सरकार है। एकदम गलत मानते हैं। मैंने पढ़ा है पेपर में, आज जो उन्होंने कहा है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, सरकार सहमत नहीं है। जो भी कहा है वो उनका व्यक्तिगत भी हो, मगर विधायक होने के नाते इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हो गया। आप बीजेपी, हम लोग ने कल बड़ा अध्ययन किया इसका दोस्तों, बहुत अध्ययन किया, और हमने कहा कि आप 7 दिन होते हफ्ते के, और 7 दिन में आप पीएम एक एक दिन कर लो। ये बीजेपी का बड़ा सुझाव है, हम लोग दिल वाले हैं। सोमवार को ममता जी बन जाएं, मंगल को मायावती जी बन जाएं, बुध को अखिलेश यादव जी बन जाएं, बृहस्पतिवार को चंद्रबाबू नायडू बन जाएं, शुक्रवार को केजरीवाल जी बन जाएं, क्योंकि सरकार काम नहीं करती, सैटरडे संडे है, उस दिन राहुल गांधी बन जाएं। तो ये बड़ा हम लोग ने सुझाव सोच समझ के करा है, निर्णय करा है। कल मैं दिल्ली में भी था तो